हेलो स्टूडेंट्स, सो दिस इज़ क्वेश्चन नंबर 2 बेस्ड ऑन इंटीग्रेशन अराउंड अ स्मॉल सेमी सर्कल, राइट? सो लेट स्टार्ट. दिस इज द क्वेश्चन, 0 टू इन्फिनिटी डी एक्स ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर इक्वल टू पाई बाय 4. तो अभी तक आपने सोच रहे थे कि सर अभी तो माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी क्वेश्चन चल रहा था और ऐसे ही आएगा, ये भी आएगा. अभी हम लोग कंसिडर वैसे ही करेंगे, ये चीज़ें लास्ट में जाके चेंज होती हैं, ठीक है? अब मैं करता हूँ, फिर बताता हूँ आपको कैसे चेंज होगा लास्ट में सॉल्यूशन, ठीक है? कंसिडर द इंटीग्रल इंटीग्रल ओवर सी एफ जेड डी जेड वेयर एफ जेड इज व्हाट? एफ जेड इज 1/1 प्लस जेड स्क्वायर होल स्क्वायर, राइट? एंड सी इज द कंटूर, एंड सी इज द कंटूर कंसिस्टिंग ऑफ द सेमी सर्कल सी आर मोड जेड इक्वल टू आर सेंटर 0 0 उस रेडियस इज आर एंड द रियल एक्सिस एंड द रियल एक्सिस फ्रॉम माइनस आर टू आर. तो चाहे तो आप उस डायग्राम को बना लीजिए जैसा हमने बताया था. सो दिस इज द स्मॉल सेमी सर्कल. कहने के लिए स्मॉल है, बाकी जितने भी आपके अपर हाफ एक्सिस के ऊपर जितने भी आपके पोल्स आएंगे सब उसके अंदर ही हैं, ठीक है? दिस इज योर स्मॉल सेमी सर्कल डिनोटेड बाय सी आर, राइट? द पोल्स ऑफ एफ जेड आर गिवन बाय 1 + z² इक्वल्स टू 0, ठीक है? पावर टू लिखनी है लिख लो, नहीं तो उसका कोई मतलब नहीं. उसको सिर्फ ये बताना है कि ये सेकंड ऑर्डर का पोल आने वाला है, राइट? तो इसको चाहे लिखना और लिख लो, नहीं लिखना तो कोई दिक्कत नहीं. तो यहाँ से क्या आ जाएगा, दैट इज जेड इक्वल टू प्लस माइनस 1 आएगा. तो प्लस माइनस 1 आएगा तो नेचुरल सी बात है 1 ऊपर जाएगा, ठीक है? मतलब ये हो गया आपका 1 यहाँ पर हो गया, सॉरी 1 नहीं, आई आएगा, राइट? जेड इक्वल टू प्लस माइनस आई. तो आई 0, 1 तो 0, 1 मतलब यहाँ पर, और 0, -1 यहाँ पर. तो ये तो आउटसाइड हो गया और ये इनसाइड हो गया. आगे लिख लेंगे, हियर जेड इक्वल टू आई इज द ओनली पोल ऑफ ऑर्डर टू विच लाइज इनसाइड दी कंटूर सी, राइट? तो अब आप इस पर रेसिड्यू निकाल लीजिए. सो रेसिड्यू ऑफ एफ एट जेड इक्वल टू आई, तो क्योंकि दो ऑर्डर का है तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, दिस इज 1/2 - 1 factorial, राइट? लिमिट जेड टेंस टू आई डी बाई डी जेड, राइट? सो दिस इज जेड माइनस आई होल स्क्वायर इंटू आपका एफ जेड. एफ जेड क्या हो जाएगा, एफ जेड इज नथिंग बट जेड माइनस आई होल स्क्वायर और जेड प्लस आई होल स्क्वायर, राइट? इसके दो फैक्टर होंगे तो उसको लिखा जाएगा ऐसे, जेड माइनस आई का स्क्वायर जेड प्लस आई का स्क्वायर. तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा, राइट? सो दिस इज 1/2 - 1 factorial, दैट इज 1. सो लिमिट जेड टेंस टू 1, सो डी बाई डी जेड ऑफ किसका करना है अपने को, सो दिस इज 1/z + i इसका स्क्वायर, राइट? इसका आपको क्या करना है, डिफ्रेंशिएशन करना है. सो डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो कितना आ जाएगा, दिस इज लिमिट जेड टेंस टू आई, राइट? लिमिट जेड टेंस टू आई दिस इज -2/z + i और इसकी पावर 3 जब इसका आप डिफ्रेंशिएशन करेंगे. आप जेड इक्वल टू आई रख लीजिए, सो दिस इज -2 ओवर ये i + i 2i, राइट? और इसका क्यूब तो कितना आ जाएगा, दिस इज -2/2i का क्यूब. 2i का क्यूब 2 का क्यूब मतलब 8 हो गया,
और आई का क्यूब मतलब आई स्क्वायर माइनस वन, तो माइनस ये इतना आ जाएगा, तो माइनस से माइनस कैंसिल, सो दिस विल गिव यू 1/4i। समझ में आया? अब आप चलिए बाय रेसिड्यू थ्योरम, बाय रेसिड्यू थ्योरम, बाय रेसिड्यू थ्योरम व्हाट वी नो, इंटीग्रल ओवर सी एफ जेड डी जेड इक्वल्स टू 2πi रेसिड्यू ऑफ एफ एट जेड इक्वल टू आई। ठीक है, सो दिस इज, इसको दो पार्ट में ब्रेक कर लीजिए जैसे हम लोग करते हैं, दिस इज इंटीग्रल ओवर सी आर एफ जेड डी जेड प्लस माइनस आर टू आर एफ एक्स डी एक्स इक्वल्स टू 2πi इंटू, तो क्या 1/4i। ठीक है, आई से आई कैंसिल हो गया, सो दिस इज नथिंग बट दिस इज पाई बाय 2। ओके, अब अपने को क्या करना है, वही फाइनली फाइनली टेकिंग आर टेंस टू इन्फिनिटी, दिस इंप्लाइज मोड जेड टेंस टू इन्फिनिटी, राइट, एंड दिस इज नथिंग बट दिस विल टेंस टू 0, दिस इंप्लाइज इंटीग्रल ओवर सी आर एफ जेड डी जेड टेंस टू 0, राइट। तो आगे पेज में क्या लिख लेंगे अब हम लोग, सो दिस इज, ये हो गया 0 आपका, दिस इज नथिंग बट माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एंड द फंक्शन इज डी एक्स ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर, राइट, सो दिस इज पाई बाय 2। अब मैंने आपको बोला था कि मैं लास्ट में बताऊंगा नीचे, तो अब देखो माइनस इन्फिनिटी इन्फिनिटी ये फंक्शन कैसा है, इवन है, तो इवन है तो ये टू टाइम्स हम लोग लिख सकते हैं, ये आपकी इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी है, टू टाइम्स 0 टू इन्फिनिटी डी एक्स ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल्स टू पाई बाय 2। क्वेश्चन ऐसे भी आएंगे आपके पेपर में, ठीक है, तो अब इस 2 से आप डिवाइड कर दीजिए, सो दिस इज 0 टू इन्फिनिटी डी एक्स ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल्स टू पाई बाय 4। आ गया पाई बाय 4, बिकॉज ऑफ दिस फंक्शन इज इवन बिटवीन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, इसीलिए हम लोग इसको ऐसा कर सकते हैं, ये आपने 12th क्लास में पढ़ी होगी प्रॉपर्टी इंटीग्रेशन की, ठीक है, अब ये इवन फंक्शन है तो इसलिए इसकी वैल्यू, अगर ये ऑड होता तो ये हमेशा जीरो वैल्यू देता बिटवीन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, राइट, ये आपने दोनों प्रॉपर्टी पढ़ी है, तो ये आपका प्रूव हो गया, हैंस प्रूव्ड। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।